असलम स्टूडेंट्स एंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोरटीन मैन एंड लिज इन्वायरमेंट इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये मालूम है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें डिफरेंट गैसेज पाई जाती हैं डिफरेंट गैसेज में ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसेज भी होती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो गैसेज हैं वो आ, कार्बन मोनऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी है जो तकरीबन सेवेंटी थ्री परसेंट जो है वो इन्वायरमेंट को कवर करती है आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन साइकिल में कार्बन जो है वो इन्वायरमेंट में कैसे उसका जो बैलेंस है वो मैंटेन रहता है तो सबसे पहले हम इस डायग्राम पर आ जाते हैं इस डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें बाईजीली और अंडरस्टैंड हो जाएगा अब नेचर में जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जो आपकी इन्वायरमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और हमें मालूम है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं यूटिलाइज भी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होने के बाद वो दोबारा इन्वायमेंट में वापस भी जा रही है इस तमाम साइकिल को हम क्या कहते हैं कार्बन साइकिल को और ये साइकिल मेंटेन होता है बाय डिफरेंट एक्टिविटीज से अनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं सॉर्व कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ़ फोटोसिंथेसिस के लिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं तो इन प्लांट्स को डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं ईट कर लेते हैं खा लेते हैं यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में आई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा किस में चलेगी एनिमल्स में चलेगी क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं प्लांट्स को ईट करते हैं अब यहाँ देखें तो एनिमल्स क्या करते हैं रिस्पायर करते हैं इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं अब ये एनिमल्स क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है नेचर वो वो मेनटेन रहते हैं एक तो ये स्टेप यहाँ पर बना हुआ है अब यहाँ देखें तो दोबारा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल्स यानी जो इक्वेटिक है वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो अब यहाँ पे ये ये यहाँ पे सेकंड स्टेप बता रहा है यानी और भी डिफरेंट तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है दोबारा इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है अब यहाँ देखे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इक्वेटिक प्लांट्स क्या कर रहे हैं एबजॉर्ब कर रहे हैं जब इक्वेटिक प्लांट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं और उन उनटिक प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स जो है वो खा लेते हैं जब एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं तो इक्वेटिकमल्स दोबारा क्या करते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं रिस्पायरेशन से वो क्या करते है? कर हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनवायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं जब वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में मौजूद वापस आ जाती है इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो मेन्टेन रहता है उसके अलावा यहाँ पे देखें एक और एरो ये लगा हुआ है ये कह रहा है कि कुछ प्लांट्स जो और एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं मरने के बाद वो गल सड़ जाते हैं गल सड़ने जड़ने के बाद मतलब कि वो डीकम्पोज होते जाते हैं डीकम्पोज होने के बाद वो कुछ फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील होते हैं जैसे आपका गैस है पेट्रोल है ऑयल है मिट्टी का तेल है तो इन तमाम चीज़ों को भी जलाने से हमारे पास क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जब इन तमाम चीज़ों को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई थी जो पौधों में थी दोबारा वो इन्वायरमेंट में वापस चली गई तो इसमें इसने तीन तरीकों से बताया कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स जो वो एनिमल्स उनको खा लेते हैं एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाती है फिर इसके अलावा जो समुद्री पौधे हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं इस तरह एनिमल्स जो समुद्री एनिमल्स हैं वो उन कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेते हैं और वो जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन में रिलीज़ कर देते हैं यानी पानी में रिलीज़ कर देते हैं इसके अलावा यहाँ कहता है कि जब पौधे और इंसान या जो भी जानवर वो मर जाते हैं तो उनमें प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया तो वो किस में चेंज हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं यानी आपके गैस मिट्टी का तेल पेट्रोल वगैरह में चेंज हो जाती है और इसके बाद वो दोबारा जब हम उन्हें गाड़ियों वगैरह में इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वापस आ जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपके इन्वामेंट में रिलीज़ कर दी जाती है तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है नेचर में वो मेनटेन रहता है और वो मेनटेन डिफरेंट प्रोसेस से रहता है जो मैंने आपको ये डायग्राम के ज़रिए बताया है कि वो प्रोसेस क्या होता है